यूपी के बाद अब बीजेपी एमपी में क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है। मिशन 2023 में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी इस दिशा में बड़ा दांव खेलने जा रही है। क्षेत्रीय अध्यक्षों के सहारे बीजेपी जहां कांग्रेस को घेरने की रणनीति बना रही है, तो वहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाकर दलित और आदिवासी वोटर को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। यानी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के हाथ के नीचे अब बीजेपी अध्यक्ष मालवा क्षेत्र, बीजेपी अध्यक्ष ग्वालियर चंबल क्षेत्र, बीजेपी अध्यक्ष महाकौशल क्षेत्र और बीजेपी अध्यक्ष बिंद्र क्षेत्रों में काम करेंगे। इसे लेकर पिछले दिनों रातापानी में हुई बैठक में मंथन किया जा चुका है। पार्टी हाईकमान ने बीडी शर्मा से प्लान बनाकर भेजने को कहा है। दरअसल 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि पार्टी संगठन और अधिक गतिशील बनाया जाए। इसके साथ ही युवाओं को मौका देकर पार्टी लीडरशिप की सेकेंड लाइन तैयार करना चाहती है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आधा दर्जन क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए थे। ये प्रयोग वहां सफल हुआ और योगी की सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी हुई। ऐसे में देखना होगा कि एमपी में ये प्रयोग कितना सफल होता है।